गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 31 जुलाई, सब्जेक्ट इंग्लिश। अब हम इंग्लिश रिवीजन करेंगे, मंथ एंड आ गया है स्टैंडर्ड सीनियर केजी। तो अभी तक मैंने आपको कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स कम्प्लीटली लर्न बाय हार्ट करा दिए हैं। आई होप आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी आपने खूब की होगी, वर्कशीट भी मैंने भेजी है, आप वर्कशीट के थ्रू भी अच्छी तरह से अल्फाबेट सीखिए और उसकी एक्सरसाइज करिए। आज मैं इंग्लिश रिवीजन में स्मॉल अल्फाबेट्स कराऊंगी, ओनली स्मॉल अल्फाबेट्स की सारी एक्सरसाइज कराऊंगी और नेक्स्ट में कैपिटल, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फिर हम अगस्त के मंथ में 3 लेटर वर्ड्स करेंगे। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, रिवीजन में हम क्या करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स। ओके, तो स्मॉल अल्फाबेट्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि स्मॉल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 2 blue lines में लिखे जाते हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स ऑलवेज राइट रेड टू ब्लू लाइन, ओके, रेड टू ब्लू लाइन, और स्मॉल अल्फाबेट्स ऑलवेज राइट 2 blue lines। तो हम इंग्लिश में रिवीजन क्या कर रहे हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स। आज डेट कौन सी हो गई है, 31 हो गई, यानी कि एंड का लास्ट डे है और हमको अब रिवीजन फिनिश करना है। तो अच्छी तरह से आप लुक एट द ब्लैक बोर्ड और राइट नाउ। 2 blue lines के बीच में हम स्मॉल लेटर लिखेंगे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फैन, ए बी सी डी ई एफ जी, जी फॉर गन, जी फॉर गन, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ए बहुत दूर लग रहा है, ए को हम पास में ले आते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ओके। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लोटस, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नोज, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्यूई, आर फॉर रैबिट, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लोटस, एम फॉर मैंगो, एन फॉर मोज, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्यूइन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर शिप, ओके। तो इनके 2 लेटर्स भी आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए। मैं कभी ऐसे नेक्स्ट वर्सेट में हमें पिक्चर बनाऊंगी, आपको बताना चाहिए कि ए से एप्पल भी होता है, ए से एरोप्लेन भी होता है, ओके। तो ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल भी होता है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट,
for cow, D for dog, B for ball, E for egg, E for elephant, F for fish, G for gun, G for grapes, H for hen, I for ice cream, I for ice cream, J for jug, K for kite, K for kite, L for lotus, L for lotus, M for mango, N for nose, N for nose, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, R for rose, okay? This is O for orange, O for ox, P for parrot, P for peacock, Q for queen, Q for curin, R for rabbit, R for rose, S for sun, S for ship, sun भी होता है ना, morning में निकलता है, sunset होता है ना, morning में, तो S for sun, S for ship, तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S के बाद T, R, S, T, T for tiger, U for unicorn, V for vegetable, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, और Z for zebra, Z for zebra, ओके? A for A से Z तक आ गया है, ओके? A अपने S के बाद क्या पढ़ा था? T for tiger, U for umbrella, V for vegetable, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra. अब मैं स्मॉल लेटर्स में ही आपको एक्सरसाइज कराती हूँ. आप देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट स्मॉल लेटर. आज ओनली स्मॉल अल्फाबेट्स लेंगे. Mm-hmm.
पिक्चर आप ही बनाओगे, आप अच्छी तरह से मुझे बताएंगे। ए फॉर एप्पल, पिक्चर देखते रहिए। दिखाई दे रही है ए बी सी डी और ग्रेप्स, ये कौन से पिक्चर बना रही हूँ, ग्रेप्स। जैसे मैं पिक्चर बनाऊँ आपको वो लेटर माइंड में होना चाहिए, फिर मैं आपको बोलूँगी आप लिख दीजिए तो फटाफट आपको स्मॉल लेटर जी फॉर ग्रेप्स आता होगा तो आप फटाफट लिख दोगे, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी एच, एच में हम हाउस बना देंगे। H for hand, H for house भी होता है,
मैंने क्या बनाया है हाउस, एच फॉर हाउस, मैंने क्या बनाया है एच फॉर हाउस। फिर पिक्चर बनी है आइसक्रीम, आइसक्रीम में कौन सा लेटर आता है आई फॉर आइसक्रीम, और हमको कौन सा लेटर लिखना है स्मॉल लेटर लिखना है, कौन सा लेटर लिखना है हमको स्मॉल लेटर, तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जग। के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट। एम फॉर मैंगो, जो टाइम बनाएंगे एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो। ओके तो लुक एट द पिक्चर एंड राइट द स्मॉल लेटर, आज हमको केवल किसकी प्रैक्टिस करनी है स्मॉल लेटर्स की। ओके तो आपके अभी पिक्चर देख के क्या लिखा है स्मॉल अल्फाबेट्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ई फॉर एग, पिक्चर्स देखिए, एफ फॉर फैन, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हाउस, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एम फॉर मैंगो, दीज आर स्मॉल अल्फाबेट्स। ओके आपको समझ आया, आपको मैं एग्जाम में कैपिटल और स्मॉल दोनों कंबाइंड्स भी दे सकती हूँ, और ऑनली ऐसा देख के भी दे सकती हूँ कि आपको मेरे को सिर्फ स्मॉल लेटर ही चाहिए कैपिटल नहीं चाहिए, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा कि टीचर ने स्मॉल पूछा है कि कैपिटल पूछा है, और उसके बाद आप उसको पिक्चर्स को पहले आइडेंटिफाई करिए, जब आपको पिक्चर अच्छी तरह आ जाए तो उसके बाद उसका सही अल्फाबेट्स लिखिए। ओके नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल लेटर के हम आफ्टर लेटर बिफोर लेटर। हम क्या करेंगे स्मॉल लेटर में ही आफ्टर 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 एंड बिफोर लेटर, बिफोर आफ्टर लेटर एंड बिफोर लेटर, और इसमें भी हम स्मॉल में करेंगे आफ्टर बिफोर लेटर। ओके आफ्टर लेटर मीन्स बाद में जो आता है उसको हम कौन सा लेटर कहते हैं आफ्टर लेटर, और जो पहले आता है उसको हम बिफोर लेटर कहते हैं। आफ्टर लेटर में भी हम करेंगे स्मॉल लेटर में ही कर रहे हैं, क्योंकि आज हम पूरा रिवीजन स्मॉल में ही करा रहे हैं। ओके ये मेरे आफ्टर लेटर्स हो गए और मैं यहाँ बिफोर लेटर लिख रही हूँ। ओके आफ्टर लेटर मीन्स बाद में लेटर जो अपन अल्फाबेट ए टू जेड बोलते हैं, इसमें जो नंबर सॉरी जो लेटर के पीछे जो आता है बाद वाला लेटर होता है उसको हम आफ्टर लेटर कहेंगे, और जो लेटर के पहले आता है व्हाट कम्स बिफोर जो पहले आता है उसको हम बोलेंगे बिफोर लेटर, उसको हम क्या बोलेंगे बिफोर लेटर, और जो बाद में आता है उसको हम क्या कहेंगे आफ्टर लेटर, और जो पहले आता है उसको हम क्या बोलेंगे बिफोर लेटर। तो ई के बाद में कौन सा लेटर आता है अगर हमको याद नहीं हो तो हमको अल्फाबेट रिवाइज करना होंगे, ए बी सी डी ई एफ, ई आफ्टर एफ, ई आफ्टर एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, के बाद क्या आता है एल, के बाद क्या आता है एल, जे के एल, एम एन, एम के बाद क्या आता है एन, एम के बाद क्या आता है एन, एम एन ओ पी, ओ पी, ओ के बाद क्या आता है पी, क्यू आर एस टी, एस
क्या आता है टी, एस के बाद क्या आता है टी, एक्स वाई, एक्स के बाद क्या आता है वाई, ओके। ये दीज आर आफ्टर लेटर, जो बाद में लेटर के बाद में जो लेटर आएगा उसको हम आफ्टर लेटर कहेंगे, और जो पहले आता है उसको बिफोर कहेंगे। अब बी के पहले क्या आता है ए, ए बी सी डी ई एफ, एफ के पहले ई एफ, ओके, ई एफ, ई एफ जी एच, जी एच आया, तो एच के पहले कौन सा लेटर आया जी, जी एच, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एस के पहले क्या आया आर एस, ओके, आर एस, आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स के पहले क्या आया छोटा डब्ल्यू, ओके, छोटा डब्ल्यू, और जेड के पहले वाई आता है, तो सबको ही पता है ना वाई आता है, तो आफ्टर लेटर बिफोर लेटर। आज हमने किसकी प्रैक्टिस की, आफ्टर बिफोर की, यही आपका होमवर्क है, स्मॉल अल्फाबेट्स। Stay safe, stay healthy. Okay, melody.